ये चलते हैं ठीक है। और नजर आ रहा है कल हमने शुरू के जो है वो चार टूल पढ़े थे सिलेक्शन के। सबसे पहले मैं वही करूंगा, फाइल में जाके जो है वो न्यू कर लेता हूँ, एक न्यू पेज भी हम ओपन कर लेंगे और इसकी हम कस्टम साइज के बजाय हम यहाँ से एक इंटरनेशनल पेपर की साइज ले लेते हैं, A4 साइज आ रही है ठीक है। यहाँ रेजोल्यूशन तो मैं सेट कर देता हूँ इसको 72 पे ही रखें इसको और ओके कर देता हूँ मैं इसको ठीक है। आज जो हमारे पास टूल है इसमें सबसे पहला ये हमारे पास टूल है स्लाइस टूल ठीक है। स्लाइस टूल किस लिए यूज होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और स्लाइस टूल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास है आई ड्रॉपर ठीक है। आई ड्रॉपर में क्या क्या चीजें हैं जिन चीजें हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कुछ टूल हैं, हीलिंग ब्रश के टूल हैं, पेज टूल है, इनके ऊपर हम जो है वो काम करेंगे ठीक है। कल हमने टेक्स्ट के ऊपर काम किया था, आज हम इमेज के ऊपर काम करेंगे और उसमें हम टेक्स्ट भी इंशाल्लाह डाल देंगे। देखें इमेज पर काम करने के लिए सबसे पहले मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूं और आज हम थोड़ा सा इमेज को, अगर कोई पुरानी इमेज है और उसको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं या उसको एक साफ करके बनाना चाहते हैं तो उसको जो है उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह ठीक है। चल मैं किसकी ले रहा हूँ, किसकी ले रहा हूँ, ऐसी पिक्चर हो फ्रंट की हो फिलहाल आज इसी पिक्चर पे काम करेंगे ठीक है। और इसको हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से एक नया जो है वो लुक दे सकते हैं ठीक है। पिक्चर आपको नजर आ रही होगी ठीक है। एक चीज तो देखिए स्लाइस टूल पर मैं आपको समझाता चलूं। देखिए स्लाइस टूल जो है वो ज्यादातर हम जो यूज करते हैं ये स्लाइस टूल है। क्रॉप से तो आपको तकरीबन सबको पता है कि क्रॉप से आप पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जहां से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको छोड़ूंगा तो ये पिक्चर मेरी इतनी बन जाएगी, बाकी का जो एरिया है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको फिलहाल क्रॉप नहीं करना, मैंने इसको इतना ही रखना है जितनी ये पिक्चर मेरे पास मौजूद रहे ठीक है। उसके बाद स्लाइस टूल बेसिकली हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज नहीं करते। स्लाइस टूल होता किस चीज के लिए मैं आपको समझा दूं। जब आप वेब पेज के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होता है, आजकल तो नेट खैर अच्छा चल रहा होता है लेकिन कभी कभी अगर नेट स्लो हो तो आपकी पिक्चर कभी आधी आ जाती है, कभी एक हिस्सा उसके सामने आ जाता है नेट पे और इस तरीके से टुकड़े टुकड़े तो पिक्चर करके आ रही होती है। तो वो स्लाइस टूल की मदद से हम इसके टुकड़े इसलिए कर देते हैं कि जब हम इसके टुकड़े बना देते हैं तो ये डायरेक्टली पूरी इमेज वहां पर जो है वो डायरेक्ट अपलोड नहीं होती क्योंकि वो टाइम लगाती है। अगर टुकड़े टुकड़े हम दे देते हैं तो उसकी साइज कम हो जाती है, फिर वो जल्दी से अपलोड भी हो जाती है और आपके पास नेट में शो भी हो जाती है। तो अगर आपने कभी ऐसी कोई पिक जो आपने फोटोशॉप पे बनाई है और आप उसको नेट पे डालना चाहते हैं वो अगर लोडिंग ज्यादा कर रही हो तो फिर हम उसको स्लाइस टूल की मदद से उसके टुकड़े बना देते हैं कि वो उसके ऊपर बाद में शो जब होती है तो वो एज अ स्लाइस में जो है वो शो की जाती है ठीक है। इस तरीके से हम टुकड़े इसके बना देते हैं। स्लाइस आपको बता रहा है जहां से आपने बनाना है इसको, इस तरीके से जितने टुकड़े बनाने हैं ये आपको टुकड़े जो है वो बना के बता देगा। और जब आप इसको सेव करेंगे एज अ वेब पेज तो ये आपको दिखा देगा कि जो है वो कितने टुकड़े इसके हुए हुए ठीक है। तो फिलहाल हमने इसकी स्लाइस नहीं बनानी, हमने तो आज इमेज की एडिटिंग का काम करना है। तो देखिए ये पिक्चर है और थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पुरानी पिक्चर को थोड़ा सा मजीद जो है वो साफ कर दूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। वैसे तो साफ है तकरीबन लेकिन फिर भी चले हम इसको देखते हैं ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टूल है, इसको हम कहते हैं, सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा जो है वो यहाँ से जूम।
जूम करने का ये फायदा है कि जब आप जूम करते हैं तो आपको पिक्चर सही से नजर आती है, जैसे कल हमने देखा था। अमूमन आपने कभी भी पिक्चर किसी को देखना है तो सबसे पहले उसको 100% में करके देखिए, इसमें 100% में करके देखेंगे तो आपको उसके स्पॉट्स वगैरह और ये चीजें नजर आ जाएंगी कि अब इसमें हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है वो इस पिक्चर को ले लेता हूँ और यहाँ से देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो ये टूल्स आपके पास जो है वो आ गए। स्पॉट सबसे पहला हमारा जो टूल है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो कहलाता है, इसको मैं ले लूंगा यहाँ से। और स्पॉट्स जहाँ जहाँ पे स्पॉट होंगे तो मैं वहां से इसको थोड़ा सा क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें खैर इतने स्पॉट नजर नहीं आ रहे हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है वो जहाँ पे हैं इसको कर लेंगे। ये हल्का सा स्पॉट है एक। ठीक है, ये आपका हीलिंग जो है वो ब्रश स्पॉट का है, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसकी साइज वगैरह बड़ी छोटी कर सकते हैं। अगर आप ब्रश का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो देखें बड़ा हो जाएगा, और अगर आप ब्रश के साइज को छोटा करना चाहते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, और जहाँ से आपने कोई स्पॉट वगैरह खत्म करने हैं तो इस तरीके से हम इसके स्पॉट खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और टूल आ रहा है, पेज टूल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, पेज टूल से क्या होता है कि आप एक जगह के कलर को उठाकर दूसरी जगह पर आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो लाइट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने कलर उठाया, अब ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है, मैं उठा के ऐसे जो है वो इसको ले जा सकता हूँ। ठीक है जी, ऐसे मैं कर, इस तरीके से मैं एक जगह से दूसरी जगह ये कलर जो है वो शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, और मैं अपनी इमेज को एडिट कर सकता हूँ। मजीद हम इसमें एक चीज करने चलेंगे, यहां से देखें ये एक ब्रश है। ठीक है, यहां से हम सिंपली जो है वो मिक्सर ब्रश टूल ले लेंगे और यहाँ पर जो इसकी ये चीजें हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा वो कर देंगे। ये 52 हमने रखना है, 50 रखना है, 30, ये 40, बिल्कुल इसकी जो है वो सही आ रहे हैं, लेकिन इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लूंगा। ठीक है, 50 पर रख लूंगा, और अब मैं देखें यहाँ पर, लेकिन ये इसका जो कलर आ रहा है वो कलर थोड़ा सा अलग से आ रहा है, थोड़ा सा मजीद सेट कर लेता हूं। जो यहाँ पे कलर मैंने जो है वो थोड़ा सा ऊंच किया हुआ था, इसको मैं ले लेता हूँ, और यहां से कलर मैं कोई ऐसा ले लूंगा जो इसके चेहरे के साथ जो है वो मैच करता हो। ठीक है, अब मैं दोबारा वही ब्रश ले कर लूंगा, मिक्सर ब्रश, और अब आप देखें ये कलर अब आपको थोड़ा सा लगेगा। तो क्लिक पकड़ के मैं जो है वो इसको कलर करता जा रहा हूँ। देखें क्लिक मैंने पकड़ी हुई है, आपकी पिक्चर जो है वो साफ होती जा रही होगी। ठीक है, खलीक साहब की पिक्चर है, ऐसा ना नाराज हो जाएंगे सर आपने मेरी पिक्चर क्यों एडिट की है, लेकिन और की पिक्चर नहीं थी इसलिए मैंने जो है वो उनकी पिक्चर ले ली फिलहाल। हम
हम इस एरिया को ज्यादा सिलेक्ट जो है वो करेंगे क्लियर, क्योंकि नीचे जो है ये थोड़ी सी शेप भी होती है, तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा डार्क भी रख सकते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, कलर का ख्याल रखिएगा, अगर आपने कलर भी और लिया होगा तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। ये देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इनके पूरे ही चेहरे को जो है वो साफ कर देता हूँ। सॉन्ग में थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूंगा ऐसे, ठीक है, और इनकी गर्दन को भी मैं हल्का सा लगा दूंगा ताकि ये जो है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए मैं इसकी साइज यहाँ से अगर थोड़ी सी छोटी करके देखूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे क्या इसमें चेंजिंग करनी है। यहाँ से मैं ये माइनस वाला जूम टू ले लूंगा और इसको छोटी करके दिखा दूंगा आपको। देखिए पहले पिक्चर किस तरह आ रही थी और अब किस तरीके से ये चेंज होके आ रही है। मजीद एक चीज जो हम और करेंगे इसमें, मजीद हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे और पिक्चर काफी पुरानी है तो इस वजह से ये चीजें जो है वो आ रही है ना, तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करके हम देखते हैं कि कहाँ हमें जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी चेंज करने की। वही टूल में ले लूंगा ब्रश टूल, ठीक है, मिक्सर ब्रश, और यहां से मैं इनके बाल जो है वो सेट कर लूंगा। बेसिकली ये जो ग्राफिक्स का काम है ये बहुत ही बारीक बीनी से होता है, जल्दबाजी में ये कोई काम भी नहीं होता। लेकिन ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको इतनी बिल्कुल डिटेल से समझाएं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चीज़ आप कम से कम बेसिक चीज़ें हैं, अब आप खुद इस पर टाइम दे सकते हैं, आपको चीज़ें पता चल गई, टूल्स हैं, टूल्स उठाएं, पिक्चर उठाएं, इस्तेमाल करके देखें, अगर कहीं मसला आ रहा है तो हम आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे कि ये कैसे जो है वो होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ तक मैं मुझे लग रहा है कि काफी है, चलो थोड़ा सा कान भी इनके गोरे कर देते हैं। ठीक है जी, अब कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ऐसे आप अपनी पिक्चर को भी बना सकते हैं, आपकी पुरानी पिक्चर है उसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और काम भी करेंगे, हम इनके बालों का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये चीज हम ले लेंगे, ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिंपल ब्रश ले लेंगे। ये जो हमने ब्रश लिया हुआ था ये मिक्सर ब्रश टूल था, ठीक है, हम सिंपल ब्रश ले लेंगे और सिंपल ब्रश लेने के बाद यहाँ से जो एरिया है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो है वो मुझे सही से नजर आ सके, ठीक है। और दाढ़ी तो इनके है नहीं, चले बाहर ही इनके चेंज कर देते हैं, मजीद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और ये ब्रश टूल ले लिया मैंने, ठीक है, ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करूँगा चीज़ों को। अगर मुझे लग रहा है कि ब्रश की साइज बड़ी है तो मैं पहले ऊपर से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ इनके बाल ही सिलेक्ट करने हैं। ये यहाँ से इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, फॉरग्राउंड का जो है वो कलर मैं चेंज कर दूंगा, ऊपर आपका ब्लैक आ रहा होगा, इस तरीके से जो है वो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ। हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ बालों को ही जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्शन हो रही है अभी, ये भी कलर नहीं हो रहा, ये अभी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आप अगर इसको घुमा भी देते हैं तो मसला नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये मेरा ऊपर का एरिया कुछ ज़्यादा हो गया है तो मैं यहाँ से देखें इसको नेविगेट करके, इसको चेंज करके मैं यहाँ से जो है वो इसको हटा सकता हूँ, इसकी पोजिशन को। मैंने सिर्फ बालों को ही सिलेक्ट करना है। ऐसा ना हो ये वीडियो ही एडिट ना करें, प्लीज सब छोड़ो बाबा, आपने तो मेरा ओलिया ही बिगाड़ दिया। हाँ, क्या भरोसा इंसान पर, कभी बार गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो जो जो चीज़ें मुझे सिलेक्शन करनी थी मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से देखिए, ये जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, एडिट इन स्टैंडर्ड मोड, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, इसको मेगा कर दूंगा। देखिए ये अब मेरे पास जो है वो इनका सिर्फ बाल जो है वो सिलेक्ट होके आ गए। और मैं यहाँ से देखिए जाऊँगा सिलेक्ट पे, ठीक है, इन चीज़ों को गौर से देखना। सिलेक्ट पे जाने के बाद मैं जाऊँगा इनवर्स पे, कहाँ पे जाऊँगा, इनवर्स पे, ठीक है। इनवर्स पे जाके मैं जाऊँगा लेयर में, लेयर से जाके मैं इसको करूँगा न्यू लेयर फिल, न्यू फिल लेयर, ठीक है। फिल लेयर करके मैं इसको कर दूंगा सॉलिड कलर, कौन सा कलर, सॉलिड कलर। और यहाँ से देखिए जो मूड आ रहा है नॉर्मल, इसको मैं चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, चेंज करूंगा नॉर्मल के बजाय मैं इसको रखूंगा जी सॉफ्ट लाइट, क्या रखूंगा, सॉफ्ट लाइट, ठीक है। सॉफ्ट लाइट रखने के बाद मैं इसको जो है वो ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए मेरे पास एक कलर जो है वो आ गया कि आप कौन सा कलर जो है वो करना चाहते हैं। तो मैं अगर इन सबको जीरो कर दूं तो मेरे पास फुल ब्लैक कलर आएगा, क्या आएगा, फुल ब्लैक कलर मेरे पास तब आएगा जब मैं इन सब आरजीबी को जीरो कर दूंगा, तो मेरे पास कंप्लीटली एक ब्लैक कलर जो है वो आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ ब्लैक कलर करना चाहता हूं तो, ठीक है। अगर मैं कोई और कलर करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन हम ब्लैक ही करेंगे ताकि आपके जो है वो थोड़ी सी इमेज जो है वो अच्छी लगे। अब देखें ये आपके पास जो है वो बन के आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की चेंजिंग जो है वो आई है, ठीक है जी। अब आपके पास बाल भी काले आ गए, यहाँ प्रोजेक्टर में आपको सही थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वहां जब आप सिस्टम पे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो बाल इनके आ सकते हैं। अगर हम इनके ये जो एरिया है इनको करना चाहें तो इनको भी हम मजीद गहरा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, दोहरा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार दोबारा समझ आ सके, ठीक है। मैं यहाँ से ये स्टैंडर्ड मूड ले लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं पिक्चर को बड़ा कर दूँ ताकि मुझे ज़्यादा बड़ी हो गई, बस इतनी काफ़ी है, ठीक है। स्टैंडर्ड मूड मैंने ले लिया और ये जो ब्लैक वाला है इसको मैंने ऊपर कर दिया। और यहाँ से मैंने ये ब्रश दोबारा ले लिया, ब्रश की साइज बहुत बड़ी है तो मैं यहाँ से ब्रश की साइज को 25 कर देती हूँ, 24, ठीक है। और मैं यहाँ से पकड़ के इनका ये जो आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और अगर ये एरिया मेरा ये देखें बाहर चला गया है तो उसको भी मैं सेट कर दूँगा। इस टूल का ये फायदा है कि आप इसको छोड़कर किसी भी जगह को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उस जगह को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं, क्योंकि ये ज़्यादा बाहर निकल गया था, इसको मैं सेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चले ठीक है जी, इतना काफ़ी है। और अब मैं दोबारा जो है वो इस मूड को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद सेम वही चीज़ सिलेक्ट में जाके इनवर्स और लेयर में जाके न्यू फिल लेयर सॉलिड कलर, और यहाँ से नॉर्मल के बजाय मैं इसको सॉफ्ट लाइट, अगर हार्ड करूँगा तो बहुत ज़्यादा कलर हो जाएगा, इसको ओके कर दूंगा। कलर आ गया आपके पास, आप कोई सा भी कलर यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़ीरो करेंगे सबको तो कौन सा कलर आ जाएगा, प्योर ब्लैक कलर आ जाएगा।
ठीक है जी, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखें अब इनके थोड़े से ये भी गहरे हो गए, मजीद हम पिक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। अब ये आपकी पिक्चर कैसी लग रही है, ठीक है, लग रही है पिक्चर अच्छी? तो इस तरीके से देखिए, ये पुरानी पिक्चर थी, हमने कोशिश की इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज करने की, थोड़ा सा इसको लाइट करने की। अगर आपको नई पिक्चर लेंगे वो ज़्यादा और अच्छी लगेगी, ठीक है, उसमें से ज़्यादा। आप एक चीज़, एक थोड़ा सा तजुर्बा आप लोग और करके दिखा देता हूँ कि आपकी अगर अपनी पिक्चर है, आपके गाने हैं, आपके स्पोर्ट्स हैं, तो आप उनको कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी साफ थी थोड़ा सा, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, बल्कि डायरेक्टली मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। और किसकी पिक्चर ओपन करूँ, अपनी कर लेता हूँ, ताकि खलीफ साहब नाराज ना हो यार, इन्होंने खाली मेरी पिक्चर एडिट की। तो ये यहाँ देखें कि मेरे चेहरे में थोड़े बहुत जो है वो दाग हैं, इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि हैं। यहाँ से मैं इनको बड़ा कर दूंगा, बड़ा करने के बाद, अच्छा मेरी जो पिक्चर है, एक चीज मैं और आपको दिखा दूं, ठीक है, इस वक्त हम इसको सिर्फ 16% पे देख रहे हैं। कितने पे देख रहे हैं? 16% पे देख रहे हैं, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है, ये मोबाइल के कैमरे की, और ये जो पिक्चर है ये पुरानी पिक्चर है, ये 33 में इस तरह लग रही है, 100 में मैंने आपको दिखाया कैसे लग रही थी, ठीक है। ये अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो ये इस तरीके से नजर आ रही है, अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो देखिए ये कहाँ नजर आएगी, बढ़िया, इसलिए आगे आ गई, ठीक है ना। तो इसको मैंने 100 पे नहीं देखना, नहीं तो खाम खा आप लोग डर जाओगे। इसको मैं 50 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि 50 में भी आपको स्पोर्ट्स नजर आ रहे होंगे, तो हम स्पोर्ट्स को जो है वो कैसे खत्म करते हैं। देखें यहाँ माथे पे भी कुछ है निशान, और ये जो बुढ़ापन झलक रहा है इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो तो वैसे जवान है, हम तो बूढ़े हो गए ना। तो इसके लिए हमें वही चीज़ें लेनी है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और इसकी साइज हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, 55, ठीक है, चलें थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, 70। अब देखें यहाँ से जो स्पोर्ट है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा वो स्पोर्ट देखें खत्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, स्पोर्ट खत्म हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, स्पोर्ट खत्म करना है, ठीक है, और ये देखें ये जो बुढ़ापन है ये भी आप अपना खत्म कर सकते हैं। ब्रश थोड़ा सा बड़ा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये चश्मे को भी खा जाएगा, ठीक है, तो चश्मे को हमने बरकरार रखना है, और यहाँ से इसकी थोड़ी सी साइज छोटी कर देनी है, और यहाँ से हमने इन स्पोर्ट्स को, यह दिखाने का मकसद ये है कि एक पुरानी पिक्चर और एक नई पिक्चर को जब हम एडिट करते हैं तो उसका कितना फर्क जो है वो आपको महसूस होगा। ये तो मेरा तिल है, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं चाह के भी नहीं हटा सकता, हाँ यहाँ से मैं स्पोर्ट ऐसा हटा सकता हूँ, देखिए जो जो है, मतलब मैं अपनी शेप खुद बना रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे गर्दन पे भी चले जाते हैं, चले ये जो स्पोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी टाइम शायद बाल बनवा के आया था तो बाल भी लगे हुए हैं, हल्के फुल्के हमने स्पोर्ट्स जो है वो क्लियर कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से जो ब्रश लेंगे, ये वाला ब्रश, मिक्सर ब्रश हम जब ले लेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इसको मैं जब यहाँ से यहाँ इस्तेमाल करूँगा तो देखें क्या होता है, मैं साइज इसकी बड़ी कर लूँगी, मेरा माथा बहुत बड़ा है, मैंने क्लिप पकड़ी हुई है और इसको जो है मैं घुमाता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे ये यूज करना है। साइज थोड़ी सी अब छोटी कर लेता हूँ उसकी, वैसे तो मेरी पिक्चर इतनी बुरी नहीं है,
वैसे भी थोड़ा सा रंग अल्लाह ने दे दिया है, लेकिन चलें मज़ीद आप लोगों को जो है वो बना के दिखाते हैं कि जी कैसे बने। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही बारीक बीनी से काम करना पड़ता है, अगर आप किसी पिक्चर को बना रहे हो, मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये भी आपकी वीडियो में चलेगी तो ऐसा ना हो कि फिर कोई बोले कि यार ये इसने क्या कर दिया। कहीं कहीं पे हल्के हल्के दाग रह गए हैं, खैर इशू नहीं है इनका, चलो थोड़ा सा नाक को भी घुमा लेते हैं। अब देखिए मैं इसको जो है वो जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है जी, समझ आ रहा है कुछ? आई थिंक टुडे इज इनफ।